मृत्यु सर्व हरस चा अहम। अर्जुन भ्रम छोड़ दे, ठीक है, भ्रम छोड़ दे। अन्यन मृत्यु एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति का सर्वस्व ले जाता है, ठीक है, सर्वस्व ले जाता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि मृत्यु जो है, पता नहीं यमराज को भूल ही जाऊं मैं, क्योंकि तो मैं इधर आ गया जो दूसरे देश है कहीं, वे कैसे मिलूंगा मैं उनको, वो तो नहीं ना मिल सकते मुझे। मैं कहते ऐसा नहीं है, तो मत सोचो। मृत्यु सर्व हरस चाहो, सब कुछ हरण कर लेने वाला अगर कुछ है कोई चीज तो वो मृत्यु है कहते हैं। कितना तल्पता है आज, कितना तल्पता है बच्चे माँ बाप के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, ये वो बड़ा बड़ा भारी है। मृत्यु सर्व हरस चाहो, फिर कहते हैं कि अर्जुन बात ये है, तुझे सृष्टि का पता नहीं है अभी, सृष्टि क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे आती है, कौन लाता है, किसके पल्ले डाली जाती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। महर्षि सत्य पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मदभावा मदगत प्राण। कहते सृष्टि में सप्त ऋषि आए पहले, अच्छा, ये बता रहे हैं अर्जुन को लड़ाई के एरिए में, कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचना, इस सारे सारे विश्व का एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही शक्ति है। और सुन लो, कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जब हजार युग, एक एक युग मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग, ये तीनों ही युग बारी बारी हजार हजार बार निकल जाते हैं, अपनी अपनी आयु भोग कर निकल जाते हैं। कहते हैं फिर ये समझ के जब ऐसे निकलते हैं वो, तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है, उस ब्रह्मा का 100 साल है। ऐसा ये गीता ही कह रही है। अच्छा, महर्ष सप्तऋषयो सप्तर्षय चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता, ये मेरी मानसिकी सृष्टि है। मैंने इनको कहा था कि तुम जाओ ब्रह्मा जी की सेवा में लगो, उनका काम करो, बुरी दिन लगी। कहते बुरी लगी। ब्रह्मा जी का 1000 युग, ये युग जो है ये कलयुग की आयु 432,000 है, कलयुग की उम्र, ठीक है,
इसी तरह 8,64,000 द्वापर की है, इसी तरह त्रेता की है, इसी तरह फिर आगे सत्ययुग की है। जब ये सारे के सारे अपना अपना बीत जाएंगे तब कहते हैं बात ब्रह्मा के एक दिन मान की बनती है।